তোমার মধ্যে খাওয়া নিচু করো নিচু করো खुद को सौंपना राहों पे आहों पे साहो सलाहों पे आहों पे आहों पे साहो सलाहों पे मेरे शक पे भी हक हुआ तेरा ओ माही माही ओ माही ओ माही ओ माही ओ माही। हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल पैशन प्रियंका। और मैं हूँ प्रियंका। तो आ चुकी हूँ वापस आज एक नए वीडियो को लेके आप सबके सामने। आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे हो और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो गाइस देखिए, अभी सुबह सुबह तो आपको दिखाया, वेदर बहुत अच्छा है, बारिश हो रहा है बाहर, पूरा अंधेरा करके बारिश, मतलब सुबह उठी थी तो लग नहीं रहा था कि 9 बज गए हैं, लग रहा था कि जैसे मानो 5 बजे है अभी, इतना अंधेरा हो मतलब हो रखा है बाहर। और बारिश, कल रात से बारिश हो रहा है कॉन्टिन्यूसली। तो उठ के थोड़ा सा आज पीठ ने मेरे को ऑयल मसाज कर दिया क्योंकि बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है, और देखिए मेरा टाक निकल चुका है तो इसीलिए थोड़ा सा ऑयल मसाज कर लिया। वो ऑयल नहीं है, वो सीरम है, तो वो थोड़ा सा हेयर सीरम लगा दिया। अभी हमारा ब्रेकफास्ट भी हो चुका है, ड्राई फ्रूट्स वगैरह खाया हमने और बिस्किट्स खाया, आज उतना कुछ ब्रेकफास्ट नहीं किया हैवी। तो अभी लंच का प्रिपरेशन करने के लिए बैठ गई हूँ, मतलब अभी सब्जी काटना है, फिर ना लंच बनेगा इसलिए सब्जी काट रही हूँ। यहाँ पे है परवल, आलू और ये है करेला, करेला और आलू स्टीम करूँगी और परवल आलू की सब्जी बनाऊँगी। और दाल बन रहा है और थोड़ा सा दाल का पकौड़ा बनाने का मन है, बस यही बनाऊँगी। और चलिए आप लोग वीडियो में बने रहिए, वीडियो को आगे तक देखिए। जो जो घर में मैं करती हूँ आप लोगों के साथ शेयर तो ज़रूर करूँगी जितना हो पॉसिबल हो पाएगा। और यहाँ पे देखिए गुल्लू बुच्की एज यूजुअल, जब मैं सब्जी काटती हूँ इन लोगों को ऐसे ही बैठना होता है। सब्जी क्या, मैं जहाँ पे भी जाती हूँ ये गुल्लू तो मेरा पीछा नहीं छोड़ती है, बच्चे जैसे माँ के पीछे पीछे घूमता है सारा दिन, वैसे ही घूमता है ये दोनों भी। तो सब्जी वब्जी काट लेती हूँ, फिर झटपट से कुकिंग करूँगी। और प्रीता का आज स्कूल का छुट्टी है तो वो घर पे पढ़ाई कर रही थी, ये देखिए बुक वगैरह बिस्तर के ऊपर पड़ा हुआ है, अभी मेरा वीडियो बना के दे रही है। तो गाइस ये देखो किचन में तो आ चुकी हूँ, बहुत सारा मतलब ऑलरेडी हो गया है। यहाँ पे परवल आलू की सब्जी हो रहा है, यहाँ पे मैंने दाल को थोड़ा सा भिगो दिया है, इसका पकौड़ा बनाऊंगी दाल का। और यहाँ पे करेला, आलू, नमक और थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल देके रखा है, इसको मैश कर लूंगी। और यहाँ पे बॉइल दाल है, दाल को तड़का लगाऊंगी। और यहाँ पे राइस भी बॉइल हो चुका है। और यहाँ पे देखिए परवल आलू की सब्जी हो रहा है, कलर कितना अच्छा आया है, अच्छे से मसालेदार बना रही हूँ। और बाहर वेदर देखिए कितना अच्छा है, अभी 1 बजने जा रहे हैं और वेदर देखिए ऐसा लग रहा है कि सुबह 5 बजे है। चलिए जल्दी जल्दी खाना बना लेते हैं। और पीठा के पापा अभी क्या कर रहे हैं दिखाते आपको। चलिए पीठा के पापा अभी झाड़ू लगा रहे हैं घर पे, ये घर इनकी साफ करने की जिम्मेदारी है और ये वाला घर पीठा का है साफ करने की जिम्मेदारी, और मेरा खाने बनाने की जिम्मेदारी, मैं खाना बना रही हूँ। सब किसी का अलग अलग जिम्मेदारी है। और देखिए कितना फार निकलता है रेडी घर से, प्लास्टिक में दिखाओ कितना है, देखिए ये सब फार है, डेली कलेक्ट करके हम लोग ऐसे रख देते हैं, नहीं तो यहाँ वहाँ सारा जगह फार ही फार हो जाएगा। अभी पीता भी नहाने जाएगी, हाय करो, सुबह से तुमको दिखाई नहीं दिया। सब काम हो चुका है, अभी सब नहाएंगे, मतलब एक एक करके सब नहाने जाएंगे और आपके भैया बाहर के बच्चों को खाना देने जाएंगे। बस सब हो गया है कंप्लीट। और अभी देखिए थोड़ा सा स्किन केयर कर रही हूँ, ये है मसूर दाल, लोग बोलते हैं ये मसूर दाल मसूर की दाल, वो थोड़ा सा भिगो के रखी थी मैं पकौड़े के लिए,
पकौड़ा बनाऊंगी, तो वही पेस्ट कर लिया था, थोड़ा उसमें हल्दी ऐड करके मैं लगा रही हूँ अपने फेस पे, क्योंकि ना बहुत क्या बोलते हैं स्किन में मेरा थोड़ा सा एलर्जी निकला था, तो इस वजह से अभी एलर्जी तो सूख गया है लेकिन काला काला पूरा यहाँ पे स्पॉट हो गया है पूरा फेस पे, इसीलिए लगा रही हूँ। और सामने पूजा है, थोड़ा सा स्किन को अच्छा करना ज़रूरी है ना। चलिए फिर आपके भैया बाहर के बच्चे को खाना देते जा रहे हैं, आप लोगों को दिखा रहे हैं। सर 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 आपके भैया का बाहर के बच्चों को खाना देना कंप्लीट हो गया है, अभी और एक बच्चा है उसको खाना देंगे, फिर नहाने जाएंगे, है ना। चलो फिर मेरा छुट्टी हो जाएगा। नहीं छुट्टी तो किसी का होता नहीं है क्योंकि काम तो पूरा दिन ही रहता है। तो गाइस देखिए यहाँ पे वड़ा बन रहा है। वड़ा नहीं बन रहा, पकौड़ा बन रहा है। हम लोग बोलते हैं ना वड़ा, हम लोग बंगाली में बोलते हैं बोड़ा, बोड़ा भाजा, डालेर बोड़ा। तो गाइस अभी तक नहाने नहीं जा पाई हूँ क्योंकि इधर नहा के जस्ट आई है और मैं काम करती हूँ, उसको एक बार लंच दे के फिर जाऊंगी क्योंकि उसको लंच करने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है, तो इसलिए दाल का पकौड़ा एकदम उसके हिसाब से बना के दूंगी, फिर हम लोग नहा के आएंगे, फिर गरम गरम फ्राई करेंगे। अच्छे से बनाना, जैसे मैं उस दिन बनाया था वैसे बनाना। तुम मत बोलो, तुम उस दिन जो पकौड़ा बनाया था ना खाने में टेस्टी था लेकिन पूरा जला हुआ था, और फिर किसी ने कमेंट किया था पता है, मैंने तुमको बोला था दूर अच्छा नहीं, अच्छा नहीं है। हाँ। तो आकाश सिंह नाम का एक बंदा कमेंट की कि भाई दीदी आप तो भैया का बिल्कुल रेस्पेक्ट नहीं करते हो, ऐसे करते हो ऐसे करते हो, मैंने बोला अरे यार, अरे भाई हस्बैंड वाइफ में रेस्पेक्ट तो रहता ही है, हस्बैंड को भी रेस्पेक्ट करना चाहिए, वाइफ को भी रेस्पेक्ट करना चाहिए, उससे ज्यादा दोस्ती होना चाहिए। तो दोस्ती में ऐसे बात क्या जाता है, हम लोग अपना दोस्त को बोलते हैं ना भाग यार हट बे यहाँ से, तो वैसे ही होता है दोस्ती में भी होता है। तो हम लोग क्या है, हम लोग मोस्ट मतलब सेम एज के ही है, वो मेरे से 3 महीने का मतलब एल्डर है, तो इसीलिए उतना रेस्पेक्ट अलग चीज है। और रेस्पेक्ट होता है डिसीजन पे, रेस्पेक्ट होता है इंसान के इंसानियत पर, और दोस्ती अलग चीज़ है, जो हस्बैंड वाइफ में दोस्ती होना चाहिए। देखो ऐसा बनता है दाल का पकौड़ा, कहाँ टूटा कहाँ जला, कुछ नहीं होगा। अच्छे से बनाना, मेरे जैसा बनाना अच्छा, तुम्हारे जैसा नहीं बनूंगी, तुमसे अच्छा बनाऊंगी। ठीक है गाइस, चलो आप लोग देखते रहो। हाँ। हम लोग अपना काम कर लेते हैं, हम लोग झटपट करते हैं और थोड़ा सा बाहर भी निकलना है, बारिश का मौसम है लेकिन फिर भी निकलना है। चलो तो गाइस देखो ये हमारा सुबह का जो पूजा है वो दोपहर को हो चुका है, ठीक है, और यहाँ पे मिनी मैडम खा रही है सब्जी और भात, और वहाँ पे है दाल का बोड़ा, गोबर खा रही है गोबर, गोबर खा रही है मतलब क्या, तुम गोबर हो तुम खा रही हो, मैं गोबर हूँ बाबा रे बाबा। ठीक है गोबर खाओ। अभी आप लोग क्या पी रहे हैं मैडम जी? मैं अकेली नहीं, तुम भी पियोगे और मिनी भी पिएगी, कॉफी बना रही हूँ गाइस। तो बाहर निकली थी थोड़ा, आप लोगों से बोली थी कि निकलूंगी, आप लोग दिखा नहीं पाई कहाँ गई थी क्योंकि बहुत ज्यादा बारिश हो रहा था आज, तो इसीलिए रास्ते पे कैमरा ऑन नहीं किया, कैमरा मतलब हमारे पास तो कैमरा नहीं है,
मोबाइल का कैमरे से ही हम लोग वीडियो करते हैं, तो मोबाइल रास्ते पे नहीं निकाला क्योंकि बहुत ज़्यादा बारिश हो रहा है बाहर, अभी भी बारिश हो रहा है, आज पूरा दिन ही बारिश हो रहा है, सुबह से लेके मतलब कल रात से चालू हुआ है बारिश, अभी भी होते जा रहा है। तो इस बारिश में गर्मा गर्म कॉफ़ी पियेंगे या चाय नहीं पियेंगे, मैं तो वैसे ग्रीन टी पीती हूँ तो ग्रीन टी आज नहीं पीऊँगी, आज कॉफ़ी। ये देखिए मेरा थोड़ा सा क्या बोलते हैं इसको, हार्ड कॉफ़ी है और इन लोगों का थोड़ा सा माइल्ड, कि मुझे थोड़ा सा कड़वा कॉफ़ी पसंद है। कॉफ़ी हो गया है, अभी बैठ के थोड़ा सा कॉफ़ी पियेंगे और थोड़ा सा रिलैक्स करेंगे और क्या। रात में आज डिनर में कुछ नहीं बनाना है क्योंकि आज सब्जी तो है सुबह का, परवल आलू की सब्जी है और रोटी लाए हैं बाहर से, रोटी है उसके साथ स्वीट्स है, खाना खा लेंगे रात को। चलिए अभी कॉफी एंजॉय करते हैं। ए मिनी कॉफी नहीं जा किरे, देखिए मैडम ऐसे दूध नहीं पीती है लेकिन कॉफी पी लेती है, देखो डायनासोर का बच्चा बोले डायनासोर का बच्चा कौन है, ये मामा तो मत की ताकत लो, मैं डायनासोर हूँ। हमें कैमरा दिखे ताकि ये अच्छा, अ तुम ही की गो, तुम ही तो कौआ चूसा हुआ आम, जूसली बूसली का भाई जूसली। और देखिए हमारे अभी बेड पे चादर नहीं लगा है, आज चादर चेंज किया था तो जब अभी चादर नहीं लगा है, चादर बिछाएंगे थोड़ी देर बाद, थोड़ा सा बैठ के कॉफी पीते हैं। कोई नहीं बुझी माँ कोई नहीं। तो गाइस हमारा खाना वाना सब कंप्लीट हो गया है, अभी देखिए किचन में साफ अच्छे से कर दिया है तो अभी सोने की बारी है। तो चलिए आज का वीडियो हम यहीं पे एंड करते हैं, फिर आपसे मिलेंगे किसी और नए वीडियो में। गाइस पूरा वीडियो को देखना प्लीज, आप लोग बहुत स्किप करके देखते हो, प्लीज वीडियो को देखना और अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करना मत भूलना, आप लोग लाइक करना ही भूल जाते हो, प्लीज लाइक करना और फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर कर देना। तो फिर मिलूंगी आपसे किसी और नए वीडियो में, तब तक के लिए सब अच्छे से रहिए, सबका ख्याल रखिए, सबके साथ मिलके रहिए और मेरे वीडियोस को देखते रहिए। बाय, गुड नाइट, लव यू ऑल।